मंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको दिखाते हैं हम रिपोर्ट बालाकोट से। आज जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुई और शल्ला के एक शख्स मोहम्मद रमजान चौधरी के घर पे गिरा, जिससे मौका पे ही घर के जो सदस्य थे उनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चियां जो थी उन्हें एयरलिफ्ट किया गया यहां से जम्मू के लिए, जो जीएमसी जम्मू में है, लेकिन उनकी भी हालत काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है। काफ़ी टेंस वहां का माहौल और काफ़ी दुख की फिज़ा फैल गई जब वहाँ पर लोगों को ये पता चला कि एक ही घर के जो 5 सदस्य हैं जिनकी आज मौत हुई है। आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से पस मंज़र न्यूज़ की बालाकोट से ये रिपोर्ट। आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं महेंडर के देवता एरिया से, जहां पे आज पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुई और एक शेल सीधा मोहम्मद रमजान के घर में आके गिरा, जिसकी वजह से परिवार के 5 लोग जो थे इस जहान फानी से जो कूच कर गए हैं। और बड़े अफसोसनाक आज का ये वाका था, जिसमें 2 बच्चियां जो थी जिन्हें यहां से आर्मी ने एयरलिफ्ट किया सीधा जीएमसी जम्मू के लिए, और उनकी हालत जो है वो इस वक्त काफी क्रिटिकल बनी हुई है। वहीं लोगों में काफी दुख की लहर फैल गई और मीडिया और लोग वहां पे एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो महेंडर में देवता एरिया में देखा जा सकता था। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पे आज जब लोकल लीडर भी पहुंचे और वो क्या कह रहे थे इस मौका पे। प्रधानमंत्री साहब को यह कहूंगा, एक ही बात मैं कहूंगा कि कब तक हमारी लाशों पे सियासत करोगे। हम तंग आ चुके हैं, जामे शहादत लिए हजारों साल हो गए, हम जो हैं बेमौत मर रहे हैं हमारे लोग। मैं आज ये कहूं, आज ये कहूं कि ये बॉर्डर एरिया की आवाज है। मैं मोदी साहब को यह कहूंगा, अगर आप में दम है तो आगे की तरफ देखें, अगर दम नहीं तो कश्मीर छोड़ दें। अगर दम नहीं तो कश्मीर छोड़ दें। मेरा यही कहना है, मेरा यही कहना है इस लाल सरकार को, तो दिल्ली में बैठे हुए हमारी लाशों पे सियासत कर रहे हैं। हमारी लाशों पे मोदी साहब, अगर दम है तुम्हारी बातों में तो हम चाहते हैं कि लाहौर में अपना झंडा गाड़ें, अगर दम नहीं तो कश्मीर छोड़ दे। हम बेमौत मरने के लिए हम तैयार नहीं है, बेमौत मरने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरा ये ऐलान है इस मैटर की धरती। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे।